आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस ने अपना काम कर दिया, फटाक से समझा दे रहा हूं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया है, अभी इसको इस पर डिस्कशन होगा, इस पर वोटिंग होगी, अभी सब कुछ होगा, आज वोटिंग होगी। और आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं भाई, और रशिया भी एक परमानेंट मेंबर है जो कि वीटो करेगा ही करेगा। किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए मेंबर्स का सहमत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए डिस्कशन किया जाता है ये हटाओ ये ऐड करो। लेकिन दोस्तों खबर अच्छी नहीं आ रही है रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया रुकने वाला नहीं है। देखिए अमेरिका ने बोला ही था कि भाई ये जो तुमने अनप्रोवोक्ड बिना बात के तुमने जो अटैक किया है, जो बाइडन का कहना ही था, और इसकी भरपाई तुमको जो है वो करनी पड़ेगी। बाइडन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि देखो नेटो की तरफ मत बढ़ना वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। व्लादिमीर पुतिन ने पता क्या बोला है, अगर इंटरफियर करोगे, किसी भी नेटो देश ने इंटरफियर किया तो हम बखिया उधेड़ देंगे। ये तो नहीं बोला, लेकिन बखिया इन बिटवीन द लाइंस आप यही समझ सकते हैं, अंजाम भुगत लेना, और पुतिन ऐसा कर देंगे। बाइडन तो खाली बतोले हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, लेकिन पुतिन तो बिल्कुल कर देगा। तो इसीलिए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आ गया है और रशियन एग्रेशन को इन्होंने कंडेम किया है, और यही बोला है व्लादिमीर पुतिन से, अनकंडीशनली विड्रॉ कर जाओ, अनकंडीशनली विड्रॉ कर जाओ, हमारी यह मांग है। ठीक है, तो देखिए इसमें यूएनएससी मेंबर्स वोट करेंगे, इस पर कॉलिंग होगी। अब भारत के लिए थोड़ा सा है कि भारत किसकी तरफ जाएगा, भारत किसको वोट करेगा, इमीडिएट सेसेशन ऑफ रशियन यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट यूक्रेन, तुरंत हटो, तुरंत जो भी तुमने जो आगे जा रहे हो शहरों पर कब्जा कर रहे हो ना, पीछे हट जाओ, फर्दर अनलॉफुल थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी यूएन मेंबर स्टेट, सिर्फ यूक्रेन पे नहीं, यू कैन नॉट यूज, मतलब यू शुड रिफ्रेन एनी अनलॉफुल थ्रेट, क्योंकि देखिए पुतिन धमकाए जा रहे हैं, सबको धमकाए जा रहे हैं, जो भी उनके आड़े आएगा बेटा तुमको सबक सिखा देंगे। तो यहां पे यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट किया है और अब इस पे वोटिंग होगी। ठीक है, इससे पहले पुतिन ने यही बोला था कि भाई इंटरफियर मत करना। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारी सेल शुरू हो चुकी है, शिवरात्रि आने वाली है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा आपको, शिव 25 यूज करना है ये कूपन कोड, इस नंबर पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। अभी तक हमने प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए थे, लेकिन दोस्तों अब हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, हिंदी की पीडीएफ अपडेट हो रही है, जैसे एनसीईआरटी में हिस्ट्री में हिंदी की पीडीएफ पूरी अपडेट हो चुकी है, तो आप कंबाइंड एनसीईआरटी का तो शानदार कोर्स है ही है, एक्स्ट्रा 25% पे अवेल कर सकते हैं। यूपीएससी की सारी लाइव क्लासेस आपको मार्च से मिलेंगी, और ये लाइव क्लासेस 1, 2, 3 तीनों कोर्सेज में, 1, 2, 3 साल के लिए, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए दे रहे 2 साल के लिए, नहीं, यूपीएससी के हमारे 3 कोर्सेज आते हैं ना, 1 साल का, 1, 2 साल का, 1, 3 साल का, तो सब में वो आपको मिलेगी लाइव क्लास, तो बहुत अच्छा मौका है इस समय। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन देखिए कहता है, रशियन फेडरेशन तुरंत विड्रॉ करे, ठीक है, कंप्लीटली एंड अनकंडीशनली, अब वर्ड्स पे देखिए, इमीडिएटली तुरंत, कंप्लीटली, एक भी रशियन टैंक बंदूक गोली भी टेरिटरी में होनी नहीं चाहिए, अनकंडीशनली, कंडीशन नहीं सुनेंगे कि ये एरिया हमको दो वो एरिया हमको दो, अनकंडीशनली विड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मिलिट्री फोर्सेस, जो भी तुमने फोर्सेस भेजी है ना 2 लाख के करीब, अभी तुमने टुकड़ियों में जो भेज रहे हो, चारों तरफ से चौतरफा अटैक कर रहे हो, यूक्रेन की टेरिटरी से पीछे हट जाओ, विदिन इट्स इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर, देखिए रशिया भी चाहता है लुहांस्क और डोनेस्क का जो एरिया है जो रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, तो अब रशिया चाह रहा है कि भाई देश उसको रिकॉग्नाइज करे, अगर देश रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो एक पर्टिकुलरली देश हो गया, ठीक है ना, तो अलाउ एंड फैसिलिटेट द रैपिड सेफ एंड अनहिंडर्ड एक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एड दे ही रहा है, पैसे डाल ही रहा है, और ये भी बोला है कि आप अलाउ करें, फैसिलिटेट करें, सेफ एंड अनहिंडर्ड, सेफ मतलब आप हम पे हमला नहीं करेंगे, अनहिंडर्ड मतलब कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे, तो जो भी मदद दी जाएगी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हमको देने देंगे, ठीक है, तो ये बोला है। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑलरेडी मल्टीपल सैंक्शंस जो हैं वो इंपोज कर दिए हैं, ये
यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन लग तो बहुत बढ़िया रहा है, आपको लग रहा होगा कि ट्रूप्स भी विड्रॉ हो जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं होने वाला है। यूनाइटेड नेशन ने रशिया के डिसीजन को भी कंडेम किया कि डोनेस्क और लुहांस के जो एरिया हैं तुमने उसको आज़ाद घोषित कर दिया। वाह बेटा वाह, कि वॉयलेशन जो है बाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का वॉयलेशन है, समझ रहे हो, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो लंबा चौड़ा चार्टर जो होता है ना 10,000 पेज का, उसका वॉयलेशन किया है बेटा तुमने, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी देश हैं, जो यूक्रेन भी उसका पार्ट है, यूक्रेन बहुत जबरदस्त तरीके से कल भड़का था रशियन एम्बेसडर के ऊपर, ठीक है, कि तुम कह रहे हो हमला नहीं है, तो भाई जो जहाज ऊपर से जा रहे हो क्या फूल बरसा रहे हैं? हमला हो चुका है, फोन करके पूछ लो, स्मार्टफोन तो होगा तुम्हारे पास, एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। इट कॉल्स फॉर द अनकंडीशनल रिवर्सल ऑफ द डिसीजन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ द ब्रेक अवे पार्ट्स ऑफ द यूक्रेन। देन रेजोल्यूशन ऑल्सो कॉल्स अपॉन मिंक्स एग्रीमेंट, जो कि 2015 में मिंक्स एग्रीमेंट पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया, 2015 में आया था, इसमें टेरिटरी को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन अब रशिया ने बोला भड़ा भाड़ में गया मिंक्स एग्रीमेंट, हम किसी मिंक्स को नहीं जानते, हड़ाओ इसको, हम सीधा जाएंगे और जो हमको मन करेगा हम वो लेके ही रहेंगे। यूक्रेन बहुत चले थे ना उछल उछल के पार्ट बनने नेटो का, अब हम बताते हैं टू अवॉइड बाय एंड वर्क कंस्ट्रक्टिवली इन रिलेवेंट इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स। कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद फ्रेम किए हैं उसी में ही रह के रशिया काम करे। इट ऑल्सो अर्ज यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स The Organization for Security and Cooperation in Europe and other international and regional organizations to support de-escalation. मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन ने सबको बोला है कि भाई कुछ भी करो लेकिन डीएस्केलेट करो, ये वॉर को रोको। जो भी वॉयलेशंस हो रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जैसे जेनेवा कन्वेंशंस, अभी जेनेवा कन्वेंशंस में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 600 के ऊपर आर्टिकल्स हैं, जेनेवा कन्वेंशंस में भयंकर वॉयलेशंस होंगे तो वो सही नहीं है, उसको हम कंडेम करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वॉयलेशंस होंगे, ह्यूमन राइट्स अब्यूज तो होंगे ही भाई, प्रॉपर इन्वेजन है। यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक अपने आप को देश कहता है, रशिया डेमोक्रेटिकली नाम का है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स भयंकर अब्यूजेस हो रहे हैं ना, तो उसको हम कंडेम करते हैं। और फिर ये बोलता है कि ऑल पार्टीज टू स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द जेनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 एंड देयर एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1977। देखिए जेनेवा कन्वेंशंस के बारे में अगर बात करें तो प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही आया था। वर्ल्ड वॉर टू में इतनी ज़्यादा हिंसा हुई थी, इतनी बैंड बजी थी सबकी, कि फिर इस तरीके की कन्वेंशंस को लाना पड़ा। स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, तो हुआ क्या कि जेनेवा कन्वेंशन आई और प्रिजनर्स के साथ कैसे व्यवहार करना है, ह्यूमंस जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज ना हो, ये सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कैसे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर युद्ध में जो पकड़े गए हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। आपको बता दूं कि आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी, जैसे अभी अभिनंदन का केस था है ना, विंग कमांडर अभिनंदन, तो उसमें जेनेवा कन्वेंशन का भारत हवाला दे रहा था। अभी कुलभूषण जाधव का केस था उसमें भी, तो ये लाखों लोगों की इसने जान बचाई है। जेनेवा कन्वेंशन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉरी 429 आर्टिकल्स है, ठीक है, और इसमें स्विस सिटी ऑफ जेनेवा शेयर्स इट्स नेम विद द कन्वेंशन एंड हैज बिकम द ग्लोबल हब ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। ह्यूमैनिटेरियन स्पेशली वॉर में अगर वॉर क्राइम्स होते हैं, अब्यूजेस होते हैं, तो ये इसी का ही हवाला देते हुए ना, जो युद्ध बंदी होते हैं उनको छुड़ाया जाता है, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद 196 स्टेट पार्टीज है, यानी कि लगभग पूरी दुनिया नहीं, 213 के करीब कंट्रीज है पूरी दुनिया में, तो लगभग सबने ही इस कन्वेंशन को साइन किया है। 1949 में इसको एडॉप्ट किया गया था और बहुत सारी लाइफ जो है वो इससे बचाई गई है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें वोटिंग होगी और अमेरिका देखिए वीटो तो करेगा ही, वीटो आपको पता ही है ना कि परमानेंट फाइव भाई, यूएस फ्रांस ब्रिटेन चाइना और रशिया। अब जब ये रेजोल्यूशन पास होगा तो अगर इनमें से एक भी वीटो, यानी कि अगर इसकी वोट होगा ना, तो वीटो मतलब ना कहने की पावर, अगर किसी ने भी, जैसे अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन और चाइना ने बोला कि रेजोल्यूशन को पास करेंगे, अब अगर रेजोल्यूशन को पास करेंगे तो रशिया को भाई विड्रॉ करना पड़ेगा ही, या तो यूनाइटेड नेशन छोड़ दे, लेकिन अगर किसी ने भी इसके अगेंस्ट वोट कर दिया, यानी कि ना कह दिया, तो खेल खत्म, ये पूरा रेजोल्यूशन खत्म। तो रशिया इसको वीटो करेगा ही करेगा, क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है, तो परमानेंट मेंबर्स के पास ये ताकत होती है। तो उन्होंने यही बोला है कि भाई देखो
हमने तो रेजोल्यूशन रख दिया है विद एवरी एक्सपेक्टेशन दैट रशिया विल यूज इट्स वीटो एंड इन डूइंग सो, सिंपल सी बात है। अब ये देख सकते हैं किसने कितना वीटो किया, सबसे ज्यादा रशिया ने वीटो किया। देखिए रशिया हमारे साथ खड़ा है, भारत के साथ तो कम से कम है ही, तो रशिया ने कई बार भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होने वाले थे लेकिन रशिया ने उसको बदल दिया, चाहे 1971 वॉर हो, चाहे बहुत समय कश्मीर मुद्दा हो, ठीक है, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, ये देख सकते हैं, फिर अमेरिका ने सबसे ज्यादा वीटो किया है। अब रेजोल्यूशन का कुछ वेटेज है, आपको लगता है? कुछ नहीं वेटेज है, कुछ भी नहीं, रेजोल्यूशन पड़े रहते हैं बस ऐसे ही, है ना। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जहां पे बस लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, इंजॉय करते हैं, वापस आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन पूरी तरीके से एक फेल्ड, अब ऐसा नहीं हर मामले में नहीं, कई जगह अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन किसी युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है यूनाइटेड नेशन। रेजोल्यूशन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, ये हिसाब किताब है। फिलहाल अगर ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो क्या हो सकता है, तो फिर रशिया को फिर हटना पड़ेगा, वरना तो फिर रशिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यस, रशिया के खिलाफ भी जंग हो सकती है, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रावधान है जिससे रशिया को रोका, वैसे पास होगा नहीं, बहुत अभी दिक्कतें होने वाली इस रेजोल्यूशन को भी लेके, बट यूनाइटेड नेशन को तुरंत एक्ट करना था, सो उन्होंने कर दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।